चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन हमको दे दिया, 2x+3/7 है, माइनस है, ब्रैकेट दे दिया है ऐसे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 22 बनाए हैं उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो बेटर तो आपको होगा कि यदि 22 क्वेश्चन देख ले होंगे, समझे होंगे कि कैसे बना है, तो पहले वीडियो को रोक लीजिए और अपने आप से इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं सॉल्व होता है तभी वीडियो को फिर से ऑन कर लीजिए, क्योंकि आखिरी मकसद यही है कि आपको वीडियो आपको जो है मैथ बनाना आना चाहिए इस एक्सरसाइज का। आगे बढ़ते हैं, तो हमको इसको तो इसी तरह से छोड़ देते हैं, 2x+3/7 माइनस, ब्रैकेट के अंदर का हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 ना, तो 5 × 12 − x, और 5 × 20 ना, तो 4 बराबर क्या है, 4x − 5। प्रोसेस करते चलो, 2x+3/7 − 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और 5 में − x है तो −5x हो गया, −4/20 बराबर है 4x − 5/13। बढ़ते चलते, 2x+3/7 है माइनस, 60 में से 4 गया 56 हो जाएगा, 56 − 5x, और बटा क्या है, 20 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बराबर है 4x − 5/13। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं 2x+3/7 को, और ये जो माइनस वाला जो टर्म है इसको हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस ना है, तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। बढ़ते चलो, तो क्या हो जाएगा, इधर तो 2x+3/7 है, उधर क्या हो जाएगा, 4x − 5/13 ना, और ये माइनस जाकर के उधर क्या हो जाएगा, प्लस, अब ब्रैकेट है ही, 56 − 5x/20। आगे प्रोसेस कर लेते हैं, तो 2x+3/7, 4x − 5/13, प्लस ब्रैकेट हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, 56 − 5x, और नीचे क्या हो गया, 20। ऊपर में रहने दे चाहते हैं तो ब्रैकेट रहने दो, ऐसे प्लस में ब्रैकेट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइन चेंज प्लस में नहीं ना होता है, साइन चेंज कौन करवाता है, माइनस का। तो यदि प्लस है तो ब्रैकेट हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आदत रखना चाहिए कि ब्रैकेट लगा करके रखो, क्योंकि यदि यहाँ पर माइनस रहता तो फिर सारा खेल गड़बड़ा जाता। आगे बढ़ जाते हैं, तो 2x+3/7, 13 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा तो गुना कर देंगे, तो 260 हो गया, तो 20 मरतबे हो रहा है, तो 20 × 4x − 5, और प्लस क्या हो जाएगा, 20 से 13 × ना, 13 × 56 − 5x। आगे बढ़ा, 2x+3/7 बराबर, गुना कर देते हैं, तो 20 चौका क्या हो जाएगा, 80x हो गया। अब 20 × 5 = 100 हो जाएगा, या माइनस ना है तो माइनस, 56 में 13 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 56 × 560, और 56 तिहाई क्या हो जाएगा, 56 × 560, 56 तिहाई 50 तिहाई 150 × 18, तो यानी 168 ना, तो 8 हो गया, 6 × 6 = 12 हो गया, 5 × 6 = 7 हो गया, तो 728 हो गया, प्लस को ना माइनस, यहाँ पर भी माइनस ना, 13 × 5 = 65x बटा क्या हो गया, 260। आगे बढ़ते हैं, और अलग कर, अरे भाई इधर तो यही है। अब यहाँ के बाद हम इधर आते हैं, ये जो टर्म है उसको तो पहले लिख दो, 2x+3/7, 80 में से 65x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15x, और −100 + 728 ना, तो ये क्या हो जाएगा, +628 / 260 हो गया, ठीक है। इसको हम नीचे से नीचे उड़ा देते हैं, जो कट रहा है ऊपर से ऊपर भी मत उड़ा देना, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर बटा के नीचे भी एक ही है ना, और बटा के नीचे भी यहाँ पर क्या है, एक ही है, दोनों अंक ही अंक है, तो इसलिए कटना चाहे तो कट सकते, पर कट रहा है, ध्यान से देखो तो कट रहा है, ये नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना, है तो हम क्या कर लेते हैं, cos
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 260 में 2x+3 से और 7 में 15x+628 से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 520x और +780, यहाँ कर लो 1575 से और इसको गुना कर दो 8×7=56, 8 में बचा 5, 7×2=14, 5, 19 ना 8 में बचा 1, 7×6=42 है ये, तो 43 और 96। आगे बढ़ा देते हैं प्रोसेस, एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 520x-105x बराबर 43, 96 और इधर +780 है ना, दो हजार करके -780 घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, 405x हो जाएगा, यहाँ घटा लो ये तो 6 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 7 गया 6 और ये क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3616/405, कैलकुलेशन कर लेना बाबू। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 24 तुमको क्या कह रहा है भाई साहब, 9x+7 और -2 और -1x, फिर माइनस है 7 सॉरी x -2, और ये माइनस ऐसे है ठीक है, और बराबर में देती है तुमको -36। सॉल्व करते हैं इसको तो इसी तरह से छोड़ दो, तो 9x+7/2 माइनस है, प्रोसेस कर लेते हैं कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है ना, तो 7 और 1 एलसीएम 7 हो गया, ये तो 7x हो गया, माइनस 1×7 ना, तो यानी क्या हो जाएगा 7, सॉरी बाबू ये तो 7 से 7 ना, 7 खत्म ना, तो एक ही ना, यानी 1×1 क्या हो गया x-2 बराबर -36, तो 9x+7/2 -7x, -1×x तो -x, -×-2 यही चलते कह रहे हैं, तो पिछला क्वेश्चन बताया कि माइनस रहे तो एकदम ब्रेकर का ध्यान से। आगे बढ़ जाते हैं, -7 बराबर -36 ध्यान देते हैं, अब यहीं पर प्रोसेस करना है, तो 7 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 2×7=14 है ना, तो 7 × क्या हो जाएगा 9x+7, 7×2=14 ना, तो -2 × ना क्या हो जाएगा, ये 7x-x क्या है, यहीं पर प्रोसेस कर लेते हैं, 6x+2 बराबर -36, इधर हम कर लेते हैं, तो 7 में 9x से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 63x, 7 में 7 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 49, -2 में 6x से 12x, -2×+2 -4/14 बराबर -36, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 63 में से 12x जाएगा तो क्या हो जाएगा 51x, 49 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, और क्या हो जाएगा -36×14, 51x-45, 36 में 14 से गुना करना है तो 36×360, 36×144, 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3×1=5 हो गया बराबर -504, तो 51x क्या हो जाएगा -504 और +45 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 ना, अरे हो जाएंगे 9×4=5, 469 वो भी माइनस में, 51x। तो x बराबर क्या हो जाएगा -459/1 और 45 ना, तो माइनस ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25 तुमको क्या कह रहा है, 2.5x+x/3 बराबर 2.25x और +7, प्रोसेस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x वाला को एक तरफ हम ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2.5x+x/3 और ये क्या हो जाएगा -2.25x बराबर 7,
कुछ नहीं इसके नीचे एक है, कुछ नहीं इसके नीचे एक है, तीन एलसीएम ले लेते हैं, गुना कर, तो तीन में 2.5 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 7.5, एक तीन से तीन खत्म तो 1 से हो जाएगा माइनस, एक से तीन मतलब है ना, तो तीन में 2.25 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 6.75x/7, प्रोसेस कर, 7.5x+x क्या हो जाएगा, 8.5x -6.75x/3, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक है हो जाएगा, 8.5 में से 6.675 में जाना है, ठीक है हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 यानी 1.75 हो जाना चाहिए, 1.75x/21, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 21/1.75, ठीक है ये आंसर, प्रोसेस कैलकुलेशन करने का लेना, डेसिमल हटा दो तो 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 और 25 77 77 21 बराबर 12, लो भाई सॉल्व हो गए, चलो।